फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी वेजिटेरियन फिश समोसा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में बहुत आसान है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, वेजिटेरियन फिश समोसा। वेजिटेरियन फिश समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैदा का डो लगाऊंगी। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन अगर मोटी है आपकी तो उसको हाथ पे रगड़ के डालें। 3 टेबल स्पून मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। इसकी जगह आप रिफाइंड भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। घी को मैदा के साथ बिना पानी डाले पहले ही अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे, तभी हमारे समोसे खस्ता बनते हैं। मैदा में घी अच्छी तरह मिल गया है। ये देखिए, इसका ऐसे लड्डू जैसा बन रहा है, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट घी है। इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाऊंगी। ये हमें पूड़ी और फुलके के बीच वाला हमें टेक्सचर चाहिए, ना बहुत हार्ड ना ही सॉफ्ट। डो को बहुत ही अच्छी तरह से मसल के लोच लगा लेंगे। और ये देखिए, ये ना पतला है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, ऐसा आटा गूंदेंगे। अब इसको मैं गीले कपड़े से ढक के 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी। इतनी देर में इसकी आलू की स्टफिंग तैयार करूंगी। समोसों की स्टफिंग बनाने के लिए इस तरह का कोई पैन ले लें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 1 पिंच हींग डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें ग्रेटेड अदरक डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। 2 उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची डाल रही हूँ। 2 पिंच हल्दी डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। मसाला बनके तैयार है। अब मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ और इसके ठंडा होने के बाद समोसे बनाऊंगी। आलू का स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून चाट मसाला मिला रही हूँ। चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर भी मिला सकते हो। मैदा के डो का भी रेस्ट कंप्लीट हो गया है, अब उसको चेक करूंगी। एक बार इसको अच्छी तरह से मल लूंगी फिर से। अब इससे पेड़े बना लूंगी। इस साइज के पेड़े बनाएंगे। अब इनको इस तरह से गोल करके पेड़ी बना लेंगे। सभी पेड़े बन गए हैं। एक निकाल लूंगी और बाकी सबको गीले कपड़े से ढक के रख लूंगी। अब इससे मैं वेजिटेरियन फिश समोसा तैयार करूंगी। सूखे मैदे से इसको डस्ट करेंगे और पूड़ी जैसा बेल लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने इतना पतला बेला है। अब इसको मैं लगभग 3x3 के स्क्वायर में काट लूंगी। इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद जो स्टफिंग बनाई थी वो थोड़ी सी स्टफिंग इसमें रखूंगी। स्टफिंग बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा लूंगी और इधर किनारे तक इसको चिपका देंगे। किनारों को बहुत अच्छी तरह से दबा के चिपका देंगे। इधर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और इस तरह से इसको हल्का सा इधर भी पानी लगा देंगे और चिपका देंगे। एक काली मिर्ची लेंगे, उससे फिश की आंख बना देंगे। ये देखिए, हमारी क्यूट सी फिश तैयार हो गई है।
इसी तरह सभी फिश तैयार कर लूंगी। सभी वेजिटेरियन फिश समोसे बनके तैयार हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। समोसे फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तेल को बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करेंगे, गैस की फ्लेम को एक बार तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा लो टू मीडियम रखेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, काली मिर्ची को एक बार दबा देंगे और साइडों से भी उसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि हमारा समोसा तेल में खुले नहीं। अब इसको धीरे से तेल में डालेंगे। बहुत हल्के से इनको हिला देंगे। इनकी साइड बदलते हुए लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर फिश बनी है, लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। साइड में तेल निचोड़ते हुए इसको बाहर निकालूंगी। अब जो जो सिकती जा रही हैं मैं उनको बाहर निकालते जाऊंगी। इसी तरह सारी फिश फ्राई कर लूंगी। सभी वेजिटेरियन फिश समोसे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको सर्व करूंगी। लीजिए बनके तैयार हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत सी वेजिटेरियन फिश समोसे। बच्चे तो इनको देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।